नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कनौजिया आपका अपने यूट्यूब चैनल देसी दवाएं में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान कराता हूं तथा उनको आपको भेजने का भी कार्य करता हूं। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी उन्हीं से निर्मित करता हूँ। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं आपको एक ऐसे पौधे की पहचान कराऊँगा जिसको हम अपने गमले में लगा सकते हैं और उसका हम लोग बहुत भरपूर एड़ी से चोटी तक के जितने भी रोग होते हैं, लगभग सभी प्रकार के रोगों में उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसका बहुत तेज़ी से लाभ होता है। जैसे कि इसका आज मैं प्रयोग जो बताऊंगा वो अपने सर में जो हमारे रोग होते हैं, आँख, कान, नाक, गला, इनके सब रोगों में इसका बहुत बढ़िया प्रयोग है। दोस्तों, तो आज का पौधा है मरुआ दोना, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी कई प्रकार की होती है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं तुलसी, वो केवल लाम तुलसी या श्याम तुलसी के विषय में जानते हैं, उसका ही प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों, बरबरी तुलसी, लौंग तुलसी जिसको कस्तूरी तुलसी कहते हैं, और मरुआ तुलसी, ये अन्य भी कई तुलसियाँ होती हैं, जिसमें मरुआ दोना जो तुलसी होती है, मरुआ के भी दो प्रकार होते हैं। एक लंबी मंजरी की होती है, एक गुच्छे नामा फूल आते हैं, इसको मरुआ दोना कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको सर्वप्रथम मरुआ दोना की पहचान करा देते हैं, तत्पश्चात इसके गुणों के बारे में बताएंगे कि इसका हम सर के रोगों में, यदि हमारा पुराना से पुराना सर दर्द है तो उसमें किस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है, अगर हमारा कान दर्द कर रहा है तो इसमें हमें किस तरीके से प्रयोग करना है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, मरुआ दोना की आपकी पहचान करा देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे गमलों में हम लोगों ने लगाया हुआ, ये दोस्तों मरुआ दोना तुलसी का पौधा लगा हुआ है। देखिए आप, गुच्छे के समान इसके मंजरी होती है, पूरी गुच्छे के समान है। देखिए, इसमें गुलाबी कलर के और सफ़ेद कलर के पुष्प आए हुए हैं, छोटे छोटे पुष्प। इसकी मंजरी जो है कत्थई कलर की होती है। इसकी पत्तियां देखिए दोस्तों, लंबी होती हैं, जिस पर राम श्याम तुलसी जैसे श्यामा तुलसी है। दोस्तों, इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं, श्याम तुलसी है ये। तो इसकी पत्तियां कंगूरेदार होती हैं तथा छोटी होती हैं, लेकिन जो है जो मरुआ तुलसी है उसकी पत्तियां जो है लंबाई लिए हुए होंगी और बड़ी होंगी। इससे पुष्प आप पहचानिएगा होंगे। उसके अलावा एक और तुलसी होती है, उसकी लंबी मंजरी होती है, जो वो उसको भी मरुआ दोस्तों कहा जाता है। लेकिन ये तुलसी जो मरुआ दोना तुलसी होती है, ये बहुत लाभकारी होती है हमारे लिए, उससे ज़्यादा लाभकारी होती है जो लंबी मंजरी की होती है। इसलिए हमें इस तुलसी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसका तना आप देख सकते हैं, गोल तना होता है इस तरीके से, और कई सारी शाखाएँ इससे निकलती हैं। अधिकतर लोग, आप लोग इसको जानते हो क्योंकि गांव में, हमारे यहाँ लगा, गांव देहातों में लगाया जाता है। इससे कहा जाता है कि मच्छर जो इसके पास नहीं आते, तथा सांप को दूर भगाने वाला पौधा, जो खेतों में लगा देते हैं, सांप नहीं आते इससे। लेकिन दोस्तों, इसका जो मुख्य प्रयोग मैं बताऊंगा वो नाक में जो हमारे साइनस की प्रॉब्लम है या साइनोसाइटिस है, हमारा कान दर्द कर रहा है, हमारा बहुत पुराना सर दर्द हो रहा है, तो उसमें इसका प्रयोग दोस्तों मैं कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा इसका लाभ होता है, तुरंत ही एक तरीके से देखा जाए लाभ होता है। तो दोस्तों, पुराने से पुराने सर दर्द में हमें इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसकी कुछ पत्तियों को लेके इसका रस निकाल लें, इसकी कुछ पत्तियाँ तोड़ के इसका रस आराम से निकल आता है। फिर इसकी दो दो बूंद अगर हम नाक में डालेंगे तो पुराने से पुराना जो हमारा सर दर्द है वह दूर हो जाएगा। अगर हमारा दोस्तों कान दर्द कर रहा है तो उसमें भी दोस्तों इसकी पत्तियों का रस निकाल के अगर हम कान डालेंगे तो कान दर्द में तुरंत लाभ होता है। इसके अलावा जो साइनस की प्रॉब्लम है, उसका रस अगर हम नाक में डालेंगे तो नाक में साइनस की समस्या में भी आराम मिलेगा, सर्दी जुकाम भी दूर रहेगा। तो दोस्तों, ये इसके सर के उपयोग में इसके लाभ हो गए दोस्तों, और ये बहुत ही तेज़ी से लाभ करता है। अगर हमारे कहीं बिच्छू टटैया काट ले, कोई जहरीला जीव जंतु काट लेता तो उसमें भी इसकी पत्तियों को रगड़ कर वहाँ पर लगाने, उसकी स्वेलिंग जो है तुरंत दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से इस पौधे को हमने गमले में लगा के इसके काफ़ी चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग इसको पहचान भी गए होंगे, इसकी पत्तों की चटनी बनाकर हम इसको खाने में भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याएँ भी जो है दोस्तों दूर होंगी। इसके अन्य भी बहुत सारे चमत्कारी लाभ हैं, लेकिन दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाहता था, इसका सर दर्द में, कान दर्द में व साइनस की समस्या, यानी सर के जो भी रोग होते हैं उसमें इस पौधे का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इसको पहचान गए होंगे, इसको अपने गमले में भी लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है। देखिए, इसका छोटा पौधा, ये पुष्पित अवस्था में, और काफ़ी सारे पौधे लगे हुए हैं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।